अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे FSC पार्ट वन मैथमेटिक्स पेयरिंग स्कीम पे। तो स्टूडेंट, इसमें जो हमारे पास देखेंगे कि कौन कौन से बोर्ड्स जो हैं, 9 बोर्ड्स में से, मतलब फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, मतलब सब बोर्ड्स की ये पेयरिंग है। तो इसमें देखेंगे हम लोग के पेपर इसका पैटर्न कैसा होगा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन कौन सा है और सब्जेक्टिव कौन सा है। तो पेपर पैटर्न की बात करते हैं, तो हमारे पास इसमें आएगा MCQs जो हैं वो स्टूडेंट, हमारे पास 20 MCQs आएंगे और हर एक का जो मार्क्स होगा वो 1 होगा, और इस तरह से हमारे इसमें 20 मार्क्स के MCQs होंगे। फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास आएंगे जी 37 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और इसमें से हमने जो अटेम्प्ट करने हैं वो हमारे पास होंगे 25, और हर एक के जो होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, और इस तरह से हमारे पास 50 मार्क्स आ जाएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, तो पैटर्न में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जी 5, और 5 में से हमने जो है 3 करने होंगे और इसके ए और बी पार्ट होंगे, तो 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और इस तरह से 30 मार्क्स के ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और इस तरह से ये टोटल करेंगे तो 100 मार्क्स का ये जो हमारे पास पेपर है। अब देखते हैं कि MCQs कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने MCQs आएंगे। तो MCQs जो चैप्टर 1 है उसमें से हमारे पास 1 MCQs आएगा, 2 में से 1 आएगा, 3 में से 2 आएंगे, 4 में से भी 2, 5 में से भी हमारे पास 1 MCQs आएगा, 6 में 2 MCQs आएंगे, 7 में 2, 8 में भी 2 MCQs, 9 में भी 1 MCQs, 10 में 1, 11 में हमारे पास 1 MCQs, 12 में हमारे पास 2 MCQs, 13 में 1 MCQs और 14 में हमारे पास 1 MCQs। तो स्टूडेंट, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें। अब बात करते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन होगा हमारे पास, उसमें ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर हम लोग करें तो इसमें टोटल हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 12, और इस 12 में से हमने अटेम्प्ट करने होंगे 8, और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके 2 मार्क्स होंगे, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे जी ये 16 मार्क्स। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए आपने नोट करना है इसमें कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर हमारे पास 1 में से आएंगे, इसी तरह आगे जो 3 है वो आएंगे चैप्टर नंबर 2 में से, और अगले जो 3 है वो आएंगे जी चैप्टर नंबर 3 में से, अगले जो हमारे पास इसमें 3 आएंगे इस तरह से वो चैप्टर नंबर आएंगे 4 में से, तो इस तरह से टोटल जो है हमारे पास ये 12 बन जाएंगे। तो स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं इस शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर जो 3 वाला, उसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम लोग बात करेंगे जी ये इसके जो पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, ये आएंगे चैप्टर नंबर हमारे पास, इसमें से चैप्टर नंबर आएंगे ये 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन, और ये जो 3 हैं ये हमारे पास आएंगे चैप्टर नंबर 5 में से, मतलब इधर से हमारे पास 5 शॉर्ट आ गए, इधर से 3 आ गए। अब बाकी जो है हमारे पास इसमें से आएगा चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें से 1, चैप्टर 7 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें से हमारे पास
तीन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते, फोर्थ की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास टोटल जो है वो 12 आएंगे, 13 आएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें चैप्टर नंबर जो हमारे पास आएगा ना, इसमें 9 चैप्टर जो 9 होगा उसमें हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर जो 10 होगा उसमें से भी हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें से सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। जो हमारे पास 13 है उसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और जो हमारे पास इसमें 14 है उसमें से हमारे पास इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह ये टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 13 में से हमने 9 अटेम्प्ट करने होंगे, और 9 के हर एक के 2 मार्क्स होंगे और 18 नंबर का होगा। तो स्टूडेंट हमने इसमें देखना है कि पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास 16 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी हमारे पास 16 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारे पास 18 मार्क्स का, इस तरह 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर का किसके साथ पेयर बनता है, मतलब उसकी पेयरिंग किस तरह से होगी। लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे जी 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, और हर जो पोर्शन होगा उसके 2 आपके पास जो है वो पार्ट होंगे ए और बी। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 2 में से, और इसका बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 6 में से, इसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 3 में से, और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 7 में से। क्वेश्चन 8 का ए पार्ट आएगा 4 चैप्टर में से, और बी पार्ट आएगा आपके पास 8 वाले चैप्टर में से। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट आएगा आपके पास 9 वाले चैप्टर में, और बी पार्ट आएगा 10 वाले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट जो है वो आएगा जी 12 वाले चैप्टर में से, और बी पार्ट आएगा हमारे पास 13 वाले चैप्टर में से। अच्छा स्टूडेंट जरा हमने इधर देखना है कि एक तो इसमें बच्चों को मसला आता है कि हमने कैसे ये सिलेक्ट करने हैं, 5 आपके पास लॉन्ग है तो इसमें से हमने 3 करने हैं। तो इसका बेहतरीन हाल, मेरी सुजेशन ये है कि अगर स्टूडेंट ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पोर्शन है ये अटेम्प्ट कर लेते हैं, और साथ में ये जो 7 वाला है ना ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये मैट्रिक्स वाला है और ये थोड़ा सा हमारे पास सीरीज के हवाले से आगे, तो ये जरा हमारे पास ज्यादा आसान हो जाता है। बाकी आप लोग जैसे मुनासिब समझते हैं। इससे पहले स्टूडेंट आखिरी बात कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इससे जो हमारी जो है ना हमें हमारी हौसला अफजाई हो जाती है।